वेलकम टू माय चैनल दमयंती ज्ञान। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग टीचर्स कहते हैं, मुकद्दर का सिकंदर बनो। दोस्तों, पर है कौन मुकद्दर का सिकंदर? जिसने अपने भाग्य को भी जीत लिया हो, जैसे हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जो आज हमारे बीच नहीं है। उनका मानना था कि हाथों की लकीरों से ही जिंदगी नहीं बनती, उसमें हमारा भी बहुत हद तक हिस्सा होता है जिंदगी बनाने में। उन्होंने मुश्किलों की बारिश को झेलते हुए जीवन में कुछ कर गुजरने की ठान ली। दोस्तों, भारत के सबसे लोकप्रिय, सम्मानित और बेमिसाल धावक मिल्खा सिंह के जीवन की कुछ पहलुओं, घटनाओं को उजागर करते हुए उन्हें सदा सुमन समर्पित करना चाहूं। तो आइए नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जरूर करें, थैंक यू। दोस्तों, महान धावक बनने से पहले मिल्खा सिंह की जिंदगी कांटों से भरी थी। 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ स्थित गोविंदपुरा में एक सिख राठौर परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता की 15 संतानें थी, जिनमें से कुछ की मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में हो गए थे। बंटवारे की आग में माता पिता सहित 7 भाई बहनों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते और जलते देखा। वे कहते हैं, इस दर्दनाक मंजर की वजह से पहली बार जिंदगी में खूब फूट फूट कर रोया। अपनों को खोने का गम उन्हें उम्र भर सालता रहा। भाग मिल्खा भाग, ये वो शब्द थे जो भारत के महान धावक मिल्खा सिंह को अंतिम समय में अपने सिर को धड़ से अलग होने से पहले उनके पिता ने कहा था। रोते कलपते बिलखते मिल्खा ने इन्हीं शब्दों को आत्मसात कर जीवन में बड़ा नाम कमाया। इनके माता पिता गरीब थे, 2 कमरों वाले घर में रहते थे, जिनमें से एक कमरा पशुओं के लिए था और दूसरे कमरे में पूरा परिवार रहता था। मृत्यु से पहले इनके पिता ने भाग मिल्खा भाग कहा था और मुल्तान भागने को कहा था, जहां उनके बड़े भाई माखन सिंह थे। वे कहते हैं, मुल्तान जाने के लिए कोट अड्डू से मुल्तान की ट्रेन पकड़े, जो खून से लथपथ थी। दंगाइयों ने इनका पीछा किया। वे महिला डिब्बे में सीट के नीचे छिप गए और महिलाओं से ना बताने का निवेदन किया। विभाजन की अफरा तफरी में अंततः वे शरणार्थी बनकर ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से भारत आए। उस समय दिल्ली में हैजा फैला हुआ था। हजारों शरणार्थी के साथ करीब 3 हफ्ते रेलवे स्टेशन पर गुजारे। उस समय एक आशा की किरण कौन थी, जब अनाउंसमेंट हुआ इनकी बड़ी बहन ईश्वर का नाम। इसके बाद भाई बहन पुराने किले के शरणार्थी शिविर की ओर चल दिए। इनके परिवार के सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे, बड़े भाई माखन सिंह, भाभी, बड़ी बहन और मिल्खा जी। शरणार्थी शिविर में रहने के बाद दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनः स्थापित बस्ती में रहने लगे। बड़े संघर्षों भरे दिन थे। जूते पॉलिश किए, ढाबों में बर्तन साफ किए, जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में एक दुकान की सफाई का काम करते थे, जिसके लिए उन्हें 10 रुपए महीने की तनख्वाह मिलते थे। साथ ही उन्होंने 9वीं कक्षा में दाखिला भी लिया, पर जीवन का संघर्ष पढ़ाई में आड़े आया। मिल्खा सिंह एक बार महज इसलिए गिरफ्तार कर लिए गए थे क्योंकि वे बिना रेलवे टिकट यात्रा कर रहे थे। जमानत के लिए बहन को अपने जेवर बेचने पड़े थे। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। अपने भाई माखन सिंह के कहने पर सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और 1952 में सेना में भर्ती हो गए। इसी दौरान एक दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने कौशल को निखारा और 200 मीटर, 400 मीटर में खुद को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की और एक धावक के रूप में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, मिल्खा सिंह में दौड़ने का हुनर अचानक नहीं आया, बल्कि वे बचपन से ही दौड़ रहे थे, वह भी तपती रेत पर। और यही जुनून और अनुभव बाद में उनके काम आया।
इसकी शुरुआत कोत अड्डू गांव से होती है जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। इनका स्कूल घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हर रोज दोस्तों के साथ नंगे पांव स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़ कर जाते थे, वह भी तपती रेत पर मई जून के महीने में। मिल्खा जी कहते हैं इससे उन्हें कम उम्र में स्टैमिना बढ़ाने में मदद मिली। वे 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में हिस्सा लिए जिसमें से 77 में उन्होंने जीत हासिल की। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1959 में भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया और इस प्रकार वे भारत के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी बने। उनकी उपलब्धियां 1958 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक 200 मीटर और 400 मीटर में, 1958 जापान कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक, 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक 400 और रिले में, 1958 कटक नेशनल गेम में 200 और 400 मीटर में गोल्ड मेडल, 1964 कोलकाता नेशनल गेम में 400 मीटर में सिल्वर मेडल प्राप्त किए। सन 1960 में पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट मीट में वे हिस्सा लेने के लिए पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बाधा बॉर्डर से होटल तक फूलों से सजी जीप में ले जाया गया। रास्ते के दोनों ओर खड़े हजारों लोगों की आवाजें गूंजती रही, मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह, जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान और एशिया के फ्लाइंग बर्ड के नाम से प्रसिद्ध धावक अब्दुल खालिक से था जिन्हें उन्होंने पछाड़ा था। जनरल अयूब खान साहब ने उन्हें पदक पहनाया और फिर कहा, मिल्खा जी आप दौड़े कहां, आप तो उड़े, और उन्होंने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा और तब से उन्हें पूरी दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। दोस्तों है ना कितने गर्व की बात। मिल्खा सिंह जी एक वाक्य सुनाते हैं 1958 एशियन गेम्स की। वे कहते हैं, जब जापान के सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया उस क्षण का रोमांच मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। 200 मीटर की दौड़ थी, मेरा कड़ा मुकाबला पाकिस्तान के अब्दुल खालिक से था जिन्हें फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया के नाम से पुकारा जाता था। खालिक 100 मीटर का विजेता भी था। दौड़ शुरू हुई, हम दोनों के कदम एक साथ पड़ रहे थे, लेकिन फिनिशिंग टेप से 3 मीटर पहले मेरे पैर की मांसपेशी खिंचके और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। फोटो फिनिश के द्वारा मैं विजेता घोषित हुआ क्योंकि मैं फिनिशिंग लाइन पर ही गिरा था। साथ ही मुझे एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी घोषित किया गया। सम्राट ने कहा था, दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। 18 जून की रात जब मिल्खा सिंह जी दुनिया को अलविदा कह गए तो पाकिस्तान के दिग्गज एथलीट अब्दुल खालिक के बेटे मोहम्मद एजाज का संदेश आया। उन्होंने अपने संदेश में कहा, मिल्खा सिंह सर का जाना भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा नुकसान है। वे आगे कहते हैं, उनके पिता और मिल्खा सर में काफी समानताएं थी। मिल्खा सिंह जी का जन्म बंटवारे से पहले गोविंदपुरा में हुआ था। बंटवारे में माता पिता और परिवार को खो दिया, फिर रिफ्यूजी बनकर भारत आए। एजाज बताते हैं, उनके पिता अब्दुल खालिक ने भी बड़ी गरीबी देखी। मेरे पिता ने भी गरीबी से उठकर अपनी कड़ी मेहनत से दिग्गज एथलीट बने। मिल्खा सिंह की तरह उन्होंने भी सेना ज्वाइन की और वहां ट्रेनिंग और उनके दौड़ने के पैशन ने 1956 से 1960 के दौरान एशिया का सबसे तेज शख्स बना दिया। मिल्खा सिंह ने 1956 मेलबर्न ओलंपिक, 1960 में रोम ओलंपिक, 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया। रोम ओलंपिक का मेडल हाथ से निकल जाने पर दूसरी बार वे फूट फूट कर रोए और इसका मलाल उन्हें जीवन भर रहा। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी के गले में गोल्ड मेडल देखे जो अधूरी रह गई। मिल्खा सिंह अपने परिवार को बेहद प्यार करते थे, खास तौर से अपनी पत्नी निर्मल जी से, जिनसे उनकी मुलाकात 1955 को कोलंबो में हुई थी जो भारतीय महिला वॉलीबॉल की कप्तान थी। 1962 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। निर्मल जी भारतीय सेना में भी सेवा की थी। निर्मल मिल्खा सिंह जी पंजाब सरकार में महिला खेल निदेशक भी रहे, उन्हें भी पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया। मिल्खा सिंह जी और निर्मल जी की 3 बेटियां और 1 बेटा है। 1 बेटी डॉक्टर मोना सिंह अमेरिका में डॉक्टर है। दूसरी बेटी सोनिया सानवाल का मिल्खा सिंह के द्वारा रचित किताब द रेस ऑफ माई लाइफ की सह लेखिका भी है।
साथ ही इनके नाम कई बेस्ट सेलर किताबें भी हैं। तीसरी बेटी अलीजा ग्रोवर जो चंडीगढ़ में रहती है। मिल्खा सिंह जी का बेटा जीव मिल्खा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं। वे भारत के पहले गोल्फर हैं जिन्होंने 1998 में यूरोपियन टूर में हिस्सा लिया था और 4 इवेंट जीती थी। साथ ही जीव मिल्खा सिंह पहले ऐसे भारतीय भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग में टॉप 100 में अपना स्थान बनाया था। इसके बाद भारत सरकार ने 2007 में उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया। हरजय मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह के पौत्र हैं और वो भी गोल्फ खेलते हैं और कई गोल्फ चैंपियनशिप में हिस्सा भी लिया है। इसके अलावा मिल्खा सिंह ने और निर्मल जी ने एक आर्मी मैन के 7 साल के बच्चे को गोद लिया जिनका नाम था हलविंदर विक्रम सिंह जो 99 में टाइगर हिल की लड़ाई में शहीद हो गए। 91 इयर्स के मिल्खा सिंह जी के फिटनेस का राज किया है तो उन्होंने बताया रनिंग जॉगिंग रोज करता हूं, इसके अलावा गोल्फ खेलता हूं। वे कहते हैं 10-15 मिनट एक्सरसाइज जरूर करता हूं शरीर को फिट रखने के लिए क्योंकि अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। उन्होंने कहा अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाएं। अगर शरीर में तेजी से खून दौड़ेगा तो बीमारी को बहा देगा। सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है और इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कम बोलो फिट रहो क्योंकि कम बोलोगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो आप शरीर से भी स्वस्थ रहोगे। मिल्खा सिंह जी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा आज के युवा नशे के आगोश में आ चुका है, मोबाइल की दुनिया में खो चुका है, इससे बाहर आए, खेल के प्रति समर्पित हुए और अपना नाम रोशन करें। खेल मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। मिल्खा सिंह के जीवन से सीख। वे सदैव सकारात्मक और आशावादी व्यक्ति रहे। वे जीवन की हर लड़ाई, हर मुश्किलों, हर चुनौतियों का सामना किया, कभी हारे नहीं बल्कि उनके साथ दौड़ते रहे। मिल्खा सिंह की सफलता का मंत्र अनुशासन, मेहनत, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी यह धारणा लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मिल्खा सिंह जी के मार्गदर्शन को, उनकी हर उपलब्धि को खेल जगत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वे हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। हिंदुस्तान के खेल जगत के सुपरस्टार जो दौड़ता नहीं था, उड़ता था, पर पूरा देश नाच करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।